हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रियंका किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पार्ले बिस्किट से केक। तो आप लोग पूरा वीडियो देख के जाइएगा। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। और ये देख सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से मैं रेसिपी लेके आई हूँ नया आप लोग के लिए। केक बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 पैकेट पार्ले जी का पैकेट ले ली हूँ। 5 रुपये में मिल जाता है आराम से। आप चाहें तो 10 वाला ले सकते हैं, नहीं तो आराम से 5-5 वाला ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4 पैकेट है। मैं इसको खोल के मिक्सी जार में डाल के एक पेस्ट बना लूँगी। इसी तरह खोल के मैं सारा मिक्सी डाल लूँगी जार में। तो ये बहुत फट से बन जाने वाला केक है, झटपट एक ही स्टेप में बन जाएगा। यहाँ पे 1/2 कप चीनी डाल दूँगी। चीनी आप अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे 1 कप दूध, नॉर्मल दूध ही है, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ढक के एक पीस के पेस्ट बना लूँगी। देख सकते हैं दोस्तों, मैं ये अच्छे से पीस ली हूँ, दिख रहा है। अब इसमें मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं निकाल ली हूँ अपना बैटर। अब इसमें डाल देंगे इनो। आप चाहे तो एक पूरा डाल सकते हैं। मैं 1 चम्मच डाली हूँ, छोटा चम्मच। अगर आप इसमें चॉकलेट डालना चाहते हैं तो पाउडर है चॉकलेट का तो डाल सकते हैं, नहीं तो पिघला के भी डाल सकते हैं। मैं तो ऐसे ही नॉर्मल ही केक बना रही हूँ बिस्किट का, सिंपल तरीके से। कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में मैं नमक डाल दी हूँ, नमक सस्ते वाला ही है। तो अगर आप नमक यूज नहीं कर रहे हैं तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी डाल के ऊपर से अगर छोटा सा स्टैंड है तो वो भी रख के ऊपर से रख सकते हैं केक का बर्तन। तो चलिए ये गर्म होने देते हैं। मैं ले ली हूँ केक का बर्तन, इसमें ऑयल है। मैं चारों तरफ अच्छे से लगा लूँगी। चारों तरफ अच्छे से मैं ऑयल लगा ली। इसमें लगा लूँगी मैदा। मैदा की जगह आप आटा भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो बटर पेपर है तो बटर पेपर नीचे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें मैं डाल दूँगी केक का बैटर। यहाँ पे मैं अच्छे से सजा ली हूँ काजू और किशमिश से। अगर आप लोगों के पास टूटी फूटी है तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे काजू बादाम किशमिश जो भी है डाल सकते हैं। रख के ढक के पका लेंगे 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट हो जाएगा तो मैं खोल के चेक कर लूँगी। एकदम धीमे आंच पे पकाना है, एकदम मीडियम लो। तो 20 से 25 मिनट हो गया है। अब देख लेते हैं अंदर तक पका है कि नहीं। तो अभी कुछ रह गया है तो 2-3 मिनट और पका लेती हूँ।
मेरा केक बन गया है, अब निकाल लेंगे इसको। आप लोग देख सकते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे निकाल के रख दी, थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। जैसे ऊपर तक उभर के आ गया है केक मेरा, हो गया है। मैं इस तरह चारों तरफ से निकाल लूँगी चाकू के हेल्प से। चलिए मैं निकाल के आप लोग को दिखाती हूँ प्लेट में। बहुत बढ़िया से मेरा केक निकल गया है, टूटा भी नहीं है, तो मैं पलट के दिखाती हूँ आप लोग को। लोग देख सकते हैं, ये चेक करके देखी थी कि पका है कि नहीं, अच्छे से पक गया है। मैं आप लोग को कट करके दिखाती हूँ, तो ये देख सकते हैं आप लोग, एकदम सॉफ्ट है, एकदम मुलायम है, जैसे भी तोड़ेंगे वैसे टूट जाएगा। बहुत बढ़िया से बना है,